हाय, गुड मॉर्निंग दोस्तों। कार शो विद विनय में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त विनय मल्होत्रा, फ्रंटियर किया से, और मैं फ्रंटियर किया से हूँ। और आज हम बात करेंगे इंश्योरेंस के लिए, किया सेफ्टी इंश्योरेंस। किया सेफ्टी इंश्योरेंस जो है, जब भी हम गाड़ी लेते हैं तो इंश्योरेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। गाड़ी का इंश्योरेंस हम लेते ही हैं तो, बट ये है कि किया सेफ्टी का जो इंश्योरेंस लेने का बेनिफिट है आपको, वो मैं आपको आज बताना चाह रहा हूँ। किया सेफ्टी इंश्योरेंस जो है, इसके पैनल में जो आईसीआईसी लॉम्बर्ड है, बजाज है, रिलायंस है, गो डिजिट है एंड न्यू इंडिया इंश्योरेंस है, जो हमारे किया सिक्योरिटी के पैनल में है। ये मैं आपको पॉलिसी दिखाना चाह रहा हूँ, इज अ किया सेफ्टी पॉलिसी। इसके अंदर जो पूरा कवरेज मिलता है, 100% कवरेज है, ऑल इंडिया कवरेज है। किसी भी डीलरशिप में, किया के किसी भी डीलरशिप में, ऑल इंडिया में अगर आप जाते हैं तो आपको पूरा जो है कवरेज मिलता है। 100% आपको क्लेम प्रोवाइड होता है और जस्ट टू फाइल चार्ज आपको पे करने हैं, और उसमें कोई जैसे डिडक्शंस वगैरह होती हैं वो डिडक्शंस नहीं है। एंड इसमें इंश्योरेंस में बहुत सारी चीज़ें हिडन होती हैं जो बहुत बार ब्रोकर और डीलरशिप वगैरह नहीं बताती है, क्योंकि लैक ऑफ नॉलेज के कारण हम लोग उसको नहीं बताते हैं। और कस्टमर जो है मोस्ट ऑफ द टाइम ये देखता है कि मेरा प्रीमियम कितना कम होगा। और मार्केट में और भी कंपनीज हैं जो IRDA के अंदर काम करती हैं, क्योंकि जितनी भी इंश्योरेंस कंपनी हैं वो इंश्योरेंस रेगुलेटरी ऑफ इंडिया के नॉर्म्स के ऊपर काम करती है, जिसको मॉनिटर जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है। बट किया सेफ्टी के अंदर आपको बेनिफिट ये है, किया ने जो नेगोशिएशन किया हुआ है इंश्योरेंस कंपनी से, लाइक ICICI लॉम्बर्ड, बजाज, गो डिजिट, रिलायंस एंड न्यू इंडिया से, तो उसके अंदर जो बेनिफिट्स आपको मिल रहे हैं वो बेनिफिट आपको और कहीं नहीं मिलेंगे। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, कभी भी आप इंश्योरेंस ले रहे हैं या किया की गाड़ी ले रहे हैं, तो इंश्योरेंस के ऊपर जो है नेगोशिएशन आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर जो मैटर करता है IMT के ऊपर मैटर करता है। जो गाड़ी का जो हर एक पार्ट्स का, हर एक बॉडी पार्ट का एक IMT होता है, जो कवरेज पूरा मिलता है। और किया जो है ऑल ओवर इंडिया आपको 100% सपोर्ट करता है इसके लिए। तो मैं आपसे हमेशा ये कहना चाहूँगा कि किया सेफ्टी ही प्रेफर करें। और इसमें जो आपको चीज़ें मिलती हैं, जीरो टैप मिलता है, जो आज के डेट में सेल्टॉस में अगर आप स्कीम देखेंगे, जीरो कॉम्प्रहेंसिव इंश्योरेंस फ्री चल रहा है आपका, कॉम्प्रहेंसिव इंश्योरेंस फ्री चल रहा है। एड ऑन अगर आप लेते हैं इंजन कवर और टायर जीरो टैप और ये सब कवरेज अगर आप लेते हैं, तो उसके चार्जेस आपको अलग से पे करने पड़ेंगे। बट इसके बेनिफिट ये हैं कि ऑल इंडिया कवरेज में अगर कहीं भी अगर जाते हैं तो हैसल फ्री आपको सर्विस है, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, परेशानी नहीं होगी। किया, क्योंकि किया ही इसमें इन्वॉल्व है, किया सेफ्टी जो है, किया के पैनल में जो कंपनीज हैं वो किया से ऑलरेडी जो है, जो डिस्कशन के बाद ही ये पॉलिसी जनरेट होती है। जो आपको कवरेज जो इसमें मिलता है, अगर मैं बात करूँ तो इसमें आपको पॉलिसी के अंदर जीरो टैप अगर आप ले रहे हैं, एड ऑन में कंज्यूमेबल हो गया, प्रोटेक्टर, रिटर्न टू इनवॉइस हो गया, टायर कवर, असिस्टेंस कवर हो गया, टॉल फ्री हो गया, रोड साइड असिस्टेंस हो गया, एंड जो पॉलिसी के अंदर पर्सनल केयर कवरेज भी आपको मिलता है, नियर अबाउट 15 लाख रुपए का पर्सनल कवरेज जो है, ऑनर एंड ड्राइवर का 15 लाख का कवरेज भी आपको इसमें मिलता है। ये पॉलिसी है रिलायंस की पॉलिसी है, और सेल्टॉस STX का पॉलिसी है, जिसके अंदर रिटर्न टू इनवॉइस की पॉलिसी है, और इसके अंदर कुछ भी हिडन नहीं है, अनलिमिटेड क्लेम होंगे आपको, कोई भी डिडक्शन नहीं होगा पेंट जॉब के ऊपर, जॉब वर्क के ऊपर। जैसे कि आप किसी बाहर से, किसी कंपनी से करवाते हैं इंश्योरेंस, तो उसके अंदर प्रीमियम जरूर कम हो जाता है, बट जो है पॉलिसी के अंदर जो है IMT के अंदर काफ़ी चेंजेस आ जाते हैं। जब एट द टाइम ऑफ क्लेम अगर आप जाते हैं तो फर्स्ट ऑल तो वो कैशलेस नहीं होता है। जैसे कि सपोज किसी भी आप कंपनी से बाहर से अगर आप लेते हैं तो टाइप नहीं होता है उनका, कैशलेस टाइप नहीं होता है, आपको खुद ही फर्स्ट आपको पे करना पड़ेगा बिल, देन उसको फाइल बना के देंगे, देन आप इंश्योरेंस कंपनी को देंगे, इंश्योरेंस कंपनी को आप फॉलोअप करेंगे। बट किया सिक्योरिटी लेने के बाद आपको जो है कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, आपको स्ट्रेट अवे कंपनी डीलरशिप को अप्रोच करना है, एंड अप्रोच करने के बाद आपको क्लेम जो है, इंश्योरेंस सर्वेयर आपका क्लेम जो है वो बुक करेगा और गाड़ी का फोटो करेगा एंड क्लेम को प्रोसेस करेगा। एंड ऑफ द डे जो भी टाइम लिमिट है उसका, जो गाड़ी को रिपेयर करने का, वो टाइम आपको डीलरशिप बताएगी, उसके बाद आपको जस्ट फाइल चार्जेस पे करने हैं। तो बहुत सारी ऑप्शंस हैं, बट मैं ये आपको कहना चाहूँगा कि कभी भी किया की गाड़ी आप लेना चाह रहे हैं और ओवरऑल आप कोई भी गाड़ी लेने जा रहे हैं, तो इंश्योरेंस के ऊपर इतना नेगोशिएशन ना करें, क्योंकि एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर जब एंड ऑफ द डे गाड़ी का कुछ डैमेज होता है तो हमें बड़ा दुख होता है कि 1 लाख 2 लाख 5 लाख का बिल आ गया और उसके अंदर जो होता है आपको चार्ज देना पड़ रहा है। बट इसके अंदर आपको किया सिक्योरिटी के अंदर कुछ भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ऑलवेज गो फॉर किया की गाड़ी लेने में, किया सेफ्टी सिक्योरिटी ज़रूर लें। किया सिक्योरिटी इज़ अ टोटली सिक्योर पॉलिसी, ऑल इंडिया कवरेज के साथ है, पूरे ऑल इंडिया के वर्कशॉप्स हैं जो कहीं भी है, लाइक कि अगर मैं बात करूँ ऑल इंडिया में किसी भी डीलरशिप पे अगर आप जाएंगे तो आपको सेम एक्सपीरियंस मिलेगा, एंड एक्सपीरियंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं, कोई भी सर्विसेज लेते हैं, तो हमें एक्सपीरियंस अच्छा होना चाहिए। तो
मैं आपसे ये कहना चाहूँगा किया सेफ्टी प्रेफर करें, नेगोशिएशन के ऊपर ज़्यादा ना जाए, क्योंकि इस टाइम किया जो है इंश्योरेंस के ऊपर भी काफ़ी अच्छा बेनिफिट दे रहा है। किया कैरेंस के ऊपर 50-70% ओडी फ्री मिल रहा है, सेल्टॉस के ऊपर कॉम्प्रहेंसिव इंश्योरेंस फ्री मिल रहा है, एंड सोनेट के ऊपर 50% इंश्योरेंस का आपको ओडी डिस्काउंट मिल रहा है। तो गो फॉर ए किया सेफ्टी, एंड कोई भी और कंपनी से अगर आप बाहर से करवाते हैं तो उसको आप रिलायबल नहीं होंगे, कि इतनी महंगी गाड़ी लेने के बाद आपने 5-7-10 हज़ार रुपये के लिए आपने सिर्फ किया सिक्योरिटी छोड़ा है, तो उसका कोई लॉजिक नहीं बनता, क्योंकि एंड ऑफ द डे आपको ही सफ़र करना पड़ेगा। सो अपना एक्सपीरियंस ख़राब ना करें, गो फॉर ए किया सेफ्टी। किया सेफ्टी इज़ अ सिक्योर पॉलिसी, 100% सिक्योर पॉलिसी। आपको जो भी बेनिफिट चाहिए वो किया आपको थ्रू ICICI लॉम्बर्ड बजाज गो डिजिट न्यू इंडिया के थ्रू आपको प्रोवाइड कर रहा है, एंड सभी कंपनी IRDA के अंडर काम करती हैं। IMT का वो होता है कि आपको IMT लॉस हो जाता है। तो कार शो में दोनों बने रहे, नेक्स्ट शो में हम फाइनेंस के बारे में बात करेंगे, ये अभी हम इंश्योरेंस के बारे में बात कर रहे हैं, बट ऑलवेज गो फॉर किया सिक्योरिटी। अगर किया की गाड़ी लेने किया सिक्योरिटी प्रेफर करें। थैंक यू वेरी मच, नेक्स्ट शो में फिर दोबारा मिलते हैं। कार शो पे दोनों बने रहे, फ्रेंड एंड फैमिली से शेयर करें और मुझे बताएं शो कैसा लगा। नेक्स्ट शो में फिर दोबारा मिलते हैं, थैंक यू।